सदर विधायक संजय तिवारी, जो कांग्रेस की सीट से यहां निर्वाचित हुए थे, वे अपने दल को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। 22 जुलाई को जिला अतिथि गृह में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर उन्होंने इसकी जानकारी दी। उनका यह कहना था कि विपक्षी यह प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस छोड़कर किसी अन्य दल का दामन थाम सकते हैं, लेकिन यह बातें सरासर गलत हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इसी पार्टी में रहूंगा और पुराने ही सिंबल पर चुनाव लड़कर फिर जनता की सेवा करूंगा। तो मैं आप लोगों के बीच सीधा संवाद स्थापित इसीलिए करने के लिए बुलाया कि जो अफवाहें हैं बाजार में उड़ रही हैं, उन अफवाहों पर लगाम लगे कि मैं अपनी पार्टी में हूँ, था और रहूँगा और पार्टी के सिंबल से ही मैं बक्सर से चुनाव जीत लड़ूंगा और आप लोगों के स्नेह से जनता के सेवा करने के विश्वास में मैं पुनः विजयी होकर के सदन में जा करके पुनः बक्सर की एक आवाज़ बनूंगा, क्योंकि मैंने बक्सर के विकास के लिए इन 5 वर्षों में जर्जर स्थिति में यहाँ की सड़कें थी, जर्जर स्थिति में यहाँ के पीएससी थी, बंद थी, जो 17 वर्षों से 18 वर्षों से यहाँ की जनता मांग कर रही थी कि इस पीएससी को चालू किया जाए। मैंने अथक प्रयास करके उस पीएससी को चालू कराने का काम किया। साथ ही महत्वपूर्ण एक परियोजना थी निकृष करमनासा पंप कैनाल, जिसकी स्वीकृति मैंने दिलाने का काम करके काम लगवाने का काम किया। मैंने श्रेणी 1 में यहाँ की एक भी सड़कें चलने योग्य नहीं थी और यहाँ के तमाम सड़कों को श्रेणी 1 में करा करके मैंने 45 सड़कों का जीर्णोद्धार कराने का काम किया। मैंने जितने भी सरकारी स्टेट ट्यूबवेल थे जो बंद पड़े थे उनको शुरू कराने का प्राथमिकता के रूप से मैंने काम किया। मैंने चाहे वो कटाव की समस्या हो आएगी तो 5,25,00,000 रुपया की राशि वो उन्होंने देने का काम किया और वो काम आज पूरा हो चुका है। साथ ही मैंने 5 वर्षों तक अनवरत बक्सर के जिला अतिथि गृह में रह करके जनता को पटना की गलियों में विधायक को खोजने के लिए नहीं जाने दिया और मैंने तमाम अधिकारियों को फोन से उन व्यक्तियों को सहयोग करने का काम किया जो आश्रित थे कि ये मेरा काम है, विधायक जी इसको कह दीजिएगा तो हो जाएगा। मैंने चिट्ठी लिख लिख करके 1100 आदमियों को मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत देने वाले का काम किया। ऐसे कितने काम हैं जिसको मैंने पूरा कराने का काम किया है। विधायक ने जब अपनी उपलब्धियां गिनानी शुरू की तो उन्होंने कहा, 5 साल पहले जिले में चलने लायक सड़कें नहीं थीं, इन सारी सड़कों को मैंने ग्रेड 1 में स्वीकृति दिला करके बनवाया है, बंद पड़े नलकूपों को चालू कराया है। आप यहाँ पहले सुन भी चुके होंगे जो उन्होंने दावे किए हैं। इस दौरान उनकी गाड़ी में शराब बरामदगी का मामला भी उठा। उस पर उन्होंने कहा, उन्होंने हमारी गाड़ी में शराब रख करके हमें बदनाम करने का एक सफल प्रयास किया, लेकिन जनता जनार्दन इस लोकतंत्र की मालिक होती है और जनता जनार्दन ने उसका निर्णय सोशल मीडिया के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से लोगों के बीच में रखने का काम किया कि मुन्ना तिवारी निर्दोष है, मुन्ना तिवारी के द्वारा ऐसा गलत कुकृत्य नहीं किया जा सकता है। और मैं जहां बिहार में शराब खुलेआम बिक रही हो, होम डिलीवरी हो, एक जनप्रतिनिधि अपनी गाड़ी में शराब लेकर क्यों घूमेगा? यह विडंबना है कि ऐसी साजिश इस लोकतंत्र में करके लोकप्रिय विधायक को, जनता के प्रिय विधायक को बदनाम करने की एक साजिश कि चुनाव का वक्त है, मुन्ना तिवारी पर एक धब्बा लगे और जनता के बीच से इनकी लोकप्रियता कट जाए। मीडिया के साथ हुई बातचीत में संजय तिवारी ने कहा, मुझे भले ही लोग बदनाम करना चाहें लेकिन मैं अपनी ही पार्टी से बक्सर से चुनाव लड़ूंगा, मेरी दावेदारी पक्की है और विरोधियों को जवाब दूंगा। विपक्ष के बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा, अभी तो यहाँ पहलवान ढूंढे जा रहे हैं, किसी को यह पता ही नहीं कि दूसरे पक्ष से मेरे सामने कौन आएगा। तो कोई मैदान में पहलवान दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हम किसका नाम ले?
जब पहलवानी खोजात हो रही है कि मुन्ना तिवारी के खिलाफ में जाएगा मैदान में कौन, तो पहलवान खोजे जा रहे हैं। शराब बरामदगी कांड में लंबे वक्त से जनता की आंखों से ओझल चल रहे सदर विधायक संजय तिवारी इन दिनों राहत की सांस लेकर के नगर में देखे जा रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उन्होंने बुलंद आवाज में प्रेस वार्ता आयोजित कर अपनी उपलब्धियों को गिनाया। आप देखते रहें बक्सर खबर, सच के साथ, सबकी बात। धन्यवाद।